नवंबर का महीना शुरू हो चुका है तेलंगाना में नवंबर के आखिर में मतदान होने हैं और दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट भी आना है हमारे साथ बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट राज्य में मंत्री के टी रामा राव हैं तीसरी बार सरकार बनाने के जुगत में लगे हुए हैं लड़ाई लड़ रहे हैं सर क्या लगता है तीसरी बार के सरकार हंड्रेड आएगा और पहली बार हम जीते थे सिक्सटी अगली बार एटी विल बी मोर पर आपके ओपोनेंट कांग्रेस खास तौर पे वो तो बोलती है कि आपकी सरकार दोराला सरकार सामंतवादी सरकार है और वो प्रजाला सरकार प्रजा की सरकार लेकर आए दोराला सरकार प्रजाला सरकार इज़ द गमंड ऑफ कांग्रेस जो जो गमंड कांग्रेस रखती है सील्ड कवर चीफ मिनिस्टर बेचने वाली बेचने वाली यू नो पार्टी और यहाँ पे सीट बेचने वाली पार्टी और टी अध्यक्ष पथ भेजने वाली पार्टी अगर भ्रष्टाचार के बारे में दुरलला मतलब ऑटोक्रैटिक रूल के बारे में बात करती है तो लोग हंसेंगे क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को कई सारे लोगों को उन्होंने अपमान किया राज, राजीव गांधी से लेके उससे पहले भी काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने अपमान किया हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक इकलौते थे तेलंगाना से पी वी नरसिम्हा राव उनका भी अपमान कांग्रेस ने ही किया था तो अल्टीमेटली लोग तय करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है अल्टीमेटली उसमें क्या सच्चाई है अब तक राहुल गांधी का दो बार दौरा हो चुका है वो लगातार सरकार पर आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वो कहते हैं एक लाख करोड़ के करीब का घोटाला हो गया कालेश्वरम डैम में राहुल जी के समझ के बाहर की बात है क्योंकि एक अस्सी हजार करोड़ वाली प्रोजेक्ट में एक लाख करोड़ का अगर घोटाला वो मानते हैं तो राहुल जी दोबारा सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं या तो अपना स्क्रिप्ट बदलना चाहिए उनको या उनके स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए क्योंकि ये तो जोक हो गया ना अस्सी करोड़ अस्सी हज़ार करोड़ वाले प्रोजेक्ट में एक लाख करोड़ का घोटाला कैसे होगा उनकी बहन है कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वो बोलती हैं आपकी सरकार यहाँ बीआरएस की जो सरकार है बीआरएस परिवारवादी सरकार चला रही है मुख्यमंत्री पिता मुख्यमंत्री हैं बेटे मंत्री हैं भतीजे राज्यसभा में हैं मंत्री हैं बेटी एमएलसी हैं इस परिवारवाद के आरोप को कैसे देखते हैं आप हाँ प्रियंका जी का क्वालिफिकेशन क्या है राहुल जी का क्या क्वालिफिकेशन है वो अगर आके दूसरों पर उंगली उठाएंगे और बोलने लगेंगे हाँ कम से कम से कम हम तो एजुटेशन से आए हैं तेलंगाना के लिए जो है जो हुआ उसमें हमने पार्टिसिपेट किया करीब करीब पाँच छः साल लगातार कोशिश पाँच छः के हम तो आठ नौ साल हमने कोशिश की फिर जाके हम कुछ बने एम एल चुन गए चुने गए प्रियंका जी का और राहुल जी का क्या क्वालिफ़िकेशन है कौन से प्रजा आंदोलन से आके उभर के आए वो सिवाय ये कि वो रा, राजीव जी के सोनिया जी के लड़के और ल, ल, लड़की हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है उनके चलिए आप का की बात मान लेते हैं कि सड़क से संघर्ष कर कर आप सत्ता तक पहुंचे हैं बी आर एस भी सड़क से संघर्ष कर कर सत्ता तक पहुँचे एक और प्लेयर है यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी मानते हैं उनको प्लेयर या उनके नेता हैं बंडी संजय उनको हटाया गया अभी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया नेशनल वो तो कहते हैं कि सी जो यज्ञ कर रहे हैं वो तांत्रिक पूजा कर रहे हैं बीजेपी तो यहाँ पर कोई रेस में नहीं है आज आपको याद दिला दें कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे दो में 119 सीटों में से बीजेपी ने एक सीट जीता इस बार तो मुझे लग रहा है कि वो शायद एक सीट भी ना जीते तो मुझे तो 100% परसेंट कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी तो अभी फ़िलहाल रेस में नहीं है और आगे जाके भी शायद नहीं रहेंगे तेलंगाना में सो उनके बारे में बात करना भी बेकार है प्रधानमंत्री पे तो बात करेंगे आप प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा की चुनावी सभा बहुत बड़ा उन्होंने बोला कि एक खुलासा करता हूं और उन्होंने खुलासा किया कि बीआरएस जो है उस समय टीआरएस थी वो एनडीए का पार्टनर होना चाहते थे लेकिन चूंकि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसलिए उन्होंने एनडीए में आपको शामिल नहीं किया कांग्रेस भी आपको भ्रष्टाचारी बोलती है बीजेपी भी आपको भ्रष्टाचारी बोलती है हाँ प्राइम मिनिस्टर यही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि दो तक मैं हर किसान का आमदनी डबल कर दूँगा किया क्या दो तक हर घर में नल लगा दूंगा किया क्या 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेंगे 2022 तक हर किसी को घर मिलेगा पाँच ट्रिलियन इकोनमी हो जाएगा क्या क्या तो अगर वो बात करते हैं तो क्यों सीरियसली लें हम जिन्होंने कोई एक वादा नहीं निभाया जो बस ऐसे ही जुमला जुमले पे जुमले करते हुए चलाते आ रहे हैं पिछले साढ़े नौ साल उनकी बात को हम क्यों सीरियसली लें क्या कभी एन में शामिल होने की कोई चर्चा हो कह रहे हैं तभी ना कह रहे हैं ऐसे लीडर जो पूरे जनता को हिंदुस्तान के जनता को जिन्होंने गुमराह किया उनकी आरोप हम कैसे सीरियसली लें ले? क्योंकि अगर उनके मन में कोई कहानी है उनकी मन में अगर कोई कहानी रचनी है तो हमें क्या मतलब है उससे मेरा आखिरी सवाल सर एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है अगर हम देश की राजनीति की बात करें मोहम्मद मोहत्रा हैं टी के सांसद हैं उनकी सदस्यता जाने का खतरा है कल प्रिविलेज कमेटी में भी काफी हंगामा हुआ वॉकआउट किए कई सारे विपक्षी नेता महुआ मित्रा ने भी वॉकआउट किया दूसरा आम आदमी पार्टी दिल्ली के के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनको भी नोटिस भेजा गया इन दो मुद्दों पर बीआरएस पार्टी की क्या राय है आपकी क्या राय है ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जो भी आवाज उठाता है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ उनको दबाया जाता है चाहे चाहे वो केजरीवाल हो के हो या दीदी हो या स्टालिन जी हो या महुआ मोत्रा हो जो भी हो उनकी आवाज़ दबाने की हर कोशिश चलती है तो आई थिंक दिस इज़ अ दिस इज़ नथिंग न्यू मैं तो चलते आ रहा है आगे भी चलेगा मेरे हिसाब से तो बट आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हिंदुस्तान में हर किसी के साथ यही रवैया अपनाया जाएगा तो क्या होगा अल्टीमेटली जनतंत्र का इसके बारे में सोचना चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच